भाजपा मेट्रो का जिन्न बाहर निकाल लेती है। 2007 से हर चुनाव के पूर्व मेट्रो के इंदौर भोपाल में सपने दिखाती है। अभी भी पिछले 11 वर्षों से मेट्रो एक सपना बन के रह गई है। अभी तक जमीनी धरातल पर मेट्रो का प्रारंभिक काम भी चालू नहीं हुआ है, फिर चुनाव आ गए, फिर एक बार मेट्रो का जिन्न निकाल लिया गया, जबकि इसको लेके ना अभी तक कोई वित्तीय प्रबंध है, ना कोई अनुमति है, ना कोई इंतजाम है। सरकार का खजाना खाली पड़ा है, करोड़ों के कर्ज में डूबी है और एक बार फिर मेट्रो के सपने दिखाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता प्रभावी है, उसके बीच में अधिकारी निरंतर कहीं दौरे कर रहे हैं, कहीं जमीनों का सर्वे कर रहे हैं, कहीं स्टेशन को लेकर जमीन चिन्हित कर रहे हैं, कहीं स्टेशन की जगह फाइनल कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के समाचार को अखबारों में प्रकाशित भी करा रहे हैं, तो ये मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं, जबकि आचार संहिता इस तरह के काम प्रतिबंधित है और अभी कोई अनुमतियां नहीं मिली, काम चालू हुआ, लेकिन सर्वे और ये सब दिखा के वो बताना चाह रहे हैं कि दिसंबर से मेट्रो आ जाएगी, स्टेशन यहाँ बनेगा, इतना ट्रैक बनेगा, जबकि आचार संहिता में ये काम कर नहीं सकते। तो ये मतदाताओं को प्रलोभित, प्रभावित और गुमराह करने की श्रेणी में आता है, आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने चुनाव आयोग से मांग करी है कि ऐसे प्रसारित समाचार पत्रों पर रोक लगाई जाए और जो अधिकारी, जो विवेक अग्रवाल सहित जो अधिकारी इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।